भाई और बहनों, यहां का एक महत्वपूर्ण विषय है पानी। तापी नदी की जलधारा जिस झूले से होकर बहती है वो लंबे समय से पानी के लिए तरसता रहा है। पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी, दोनों चुनौतियों को कम करने के लिए आज बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। विशेषकर धूले शहर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा यहां जो सीवर सिस्टम बनने वाला है उससे भी शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, धूले सहित महाराष्ट्र और देश के अनेक हिस्सों में सिंचाई की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत लंबे समय से लटकी 99 सिंचाई परियोजनाओं को पर काम किया गया, जिसमें से 26 परियोजनाएं सिर्फ महाराष्ट्र की है। भाइयों और बहनों, आज जिस लोअर पंजारा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है वो इन्हीं 26 प्रोजेक्ट में से एक था। इस पर 35 वर्ष पहले काम शुरू हुआ था और तब इसको 21 करोड़ रुपए में तैयार होना था। आज ये प्रोजेक्ट 550 करोड़ से ज्यादा खर्च करके पूरा कर दिया गया। साथियों, महाराष्ट्र में पानी की कमी और इससे होने वाले सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मराठवाड़, विदर्भ और महाराष्ट्र के दूसरे सूखाग्रस्त इलाकों के लिए भी कुल 91 सिंचाई परियोजनाओं को विशेष रूप से मंजूरी दी गई है। करीब 14,000 करोड़ की इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो इनसे 4.25 लाख हेक्टर से भी ज्यादा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जा सकेगा। भाई और बहनों, सिंचाई और रेल की इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में आपके सांसद और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष भामरे जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो जब भी मुझे मिलते थे यहां के सूखाग्रस्त इलाकों की चिंता हर बार उनकी बातों में झलकती रही है। सुलावड़े जामफल कानोली सिंचाई योजना के लिए वो लगातार पीछे लगे रहते थे। इस परियोजना को लेकर पिछले 2 दशक से सिर्फ बातें चल रही थी। 2400 करोड़ रुपए की ज्यादा से की लागत के इस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तापी नदी से पानी लाकर यहां के अनेक गांवों को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा, जिसका फायदा हजारों किसानों को मिलेगा।